हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस मार्केटिंग पे हम लोग बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड के अबाउट। यहाँ पे अगर आप अच्छे से नज़र डालेंगे तो आज के डेट पे क्या हुआ है, टुडे की मार्केटिंग पे की बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, लगभग 1% के अराउंड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। 6 मंथ की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी शानदार एक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे हमें मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी के टाइम पे बात किया जाए तो जैसे कि पिछले वीक में एक अच्छा खासा हमें इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे जो है कि डे बाय डे हमें नुकसान पे ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, एक नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पिछले वीक की बात किया जाए तो वीक का एंड कल लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो कल होने के बाद जो है कि हमारा जो इस वीक का है वो एंड हो जाएगा। तो इस वीक के एंड में अगर अभी के टाइम पे बात किया जाए तो 1.83% का अभी के टाइम पे हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे कल के दिन अच्छा खासा एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है तो फिर वीक के एंड में भी जो है कि हमें एक पॉजिटिविटी ही देखने का चांसेस बन के आ सकता है, लेकिन वो भी आगे हम देखने वाले हैं कि कल क्या हो सकता है, उसको उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अलग बात ये हो चुका है कि एक और नया अपडेट निकल के आया है विकास इकोटेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे विकास इकोटेक की तरफ से एक नया अपडेट निकल के आया है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हमारे चैनल में नए आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 ईयर के ग्राफ चार्ट को मैं दिखा देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे विकास इकोटेक जो है कि काफ़ी शानदार आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे जो उछाल हमें देखने को मिल रहा था बिल्कुल उसको ही यहाँ पे धीरे धीरे जो है कि मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे उछाल की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी के एंड में हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा था, उसी को अभी के टाइम पर जो है कि एक वोलेटिलिटी के साथ हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि बीच में एक अच्छा खासा उछाल भी आया था, फिर से जो है कि हमें लोअर सर्किट ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्राफ चार्ट के ऊपर, वो उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट क्या कह रहा है। बहुत दिनों से यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट के ऊपर भी बात हमने नहीं किया था, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट भी काफ़ी यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट आ चुका है, और हमेशा की तरह विकास इकोटेक में और विकास लाइफ केयर की तरह ही आपको यहां पे भी 100% लोग यहां पे बाइंग करने की सलाह दे रहा है। जैसे कि ग्राफ चार्ट को देखकर आप सभी को पता चला ही होगा, और एक बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बताता हूँ कि पिछले वीडियो में जब हमने बताया था तो यहाँ पर जो है कि एक अच्छा खासा इंक्रीज पॉइंट चल रहा था, तब यहाँ पर लोअर सर्किट आने का चांसेस बन के आ रहा था। तो अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे वीकेंड के मतलब पिछले वीक में, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वीक में क्या हुआ है। इस वीक में हमें अच्छा खासा लोअर सर्किट तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, करीब जो है कि 1% के 1 से 2% के अराउंड लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, जो कि एक मामूली सी बात है, वो होता रहता है। और यहाँ पर देखिए विकास इकोटेक लिमिटेड में 100% लोग यहाँ पर जो है कि बाई करने की सलाह दे रहा है, सेलिंग और होल्डिंग की तो 0, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर हरा हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं अपडेट क्या निकल के आया है। तो अपडेट देखने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे अभी भी जो है कि हमें जो है कि एक 15.60 ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा सेप्टेम्बर 2021 में जो हमें देखने को मिल रहा था क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर में भी हमें 15.60% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर से दिसंबर के क्वार्टर में भी हमें सेम ही देखने को मिल रहा है। और FISDIS की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं एक क्वार्टर में FIS ने क्या किया, यहाँ पे अपना जो होल्डिंग 3% था उसको यहाँ पे लूज करता हुआ नज़र आया है, और यहाँ पे 0% अपना होल्डिंग दिया है, जो कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है कि आप सभी को पता ही होगा कि 6 मंथ पहले जो हमें इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा यहाँ पे हमें एक अचीवमेंट देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं
भी यहाँ पे अपना होल्डिंग लूज करता हुआ नज़र आ रहा है। और पब्लिकली होल्डिंग की बात किया जाए तो लगातार हमें बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 81% था पिछले क्वार्टर में, और अभी के टाइम पे 84% का पब्लिकली होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो अपडेट आया था वो क्या है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमें जो अपडेट बताया था उसी के रिगार्ड्स यहाँ पे हमें फिर से अपडेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11/4/2022 का अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। क्या है? न्यूज़पेपर पब्लिशन। तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं फाइनल कॉल रिमाइंडर जो था उसी के रिगार्ड्स यहाँ पे हमें न्यूज़पेपर पब्लिशन देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया गया है, देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज़पेपर है, क्या है ना है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग ओपन करके इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा डाउनलोड होना चालू हो चुका है, डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या नया अपडेट हमें निकल के आ रहा है, क्या क्या हमें डिटेल में यहाँ पे हमें दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे, देखिए विकास इकोटेक लिमिटेड का यहाँ पे हमें जो है कि लोगो देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ पे नेम भी है, और यहाँ पे आप डेट भी देख लीजिए 11 अप्रैल का डेट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रिमाइंडर फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो यहाँ पे जो है कि आखिरी कॉल मनी का यहाँ पे रिमाइंडर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा पिछले वीडियो में भी हमने बताया था यहाँ पे जो लास्ट डेट दिया गया था वो भी 15 दिन का दिया गया था, 25 अप्रैल के अराउंड यहाँ पे दिया गया था। तो देख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर है, लगभग यहाँ पे जो है कि 3 पेजों का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए, देखिए 25 अप्रैल तक, तो यहाँ पे अभी लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 अप्रैल तक यहाँ पे हमें लास्ट डेट देखने को मिल रहा था, 25 अप्रैल 2022, जो कि 15 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि अभी भी जो है कि 10 दिन के अराउंड अभी भी पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर कितना करीब जो है कि 1 करोड़ 34 लाख के अराउंड अभी भी जो है कि फाइनल कॉल के लिए मनी के लिए बचा हुआ है। तो जिसने भी अभी तक नहीं किया है वो कर लीजिए, ठीक है। तो यही कुछ हमारा एक नया अपडेट निकल के आया था। तो इसके रिगार्ड्स अगर हम बात करें इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा विकास इकोटेक लिमिटेड के जो शेयर चार्ट है, शेयर चार्ट के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा शेयर चार्ट के ऊपर इसका कुछ भी इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए और पड़ेगा भी नहीं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो भी यहाँ पे फाइनल कॉल के लिए ये अपडेट था, अगर कुछ भी नया अपडेट आ जाता है तो आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है, अभी तो लोअर सर्किट चल रहा है तो ये मैंडेटरी है, मतलब एक साधारण सा बात है कि ये अपर सर्किट लोअर सर्किट होता रहेगा। तो यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है, और लोअर सर्किट की बात किया जाए तो 1.89% ही लोअर सर्किट हमें अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 6 मंथ की यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ग्राफ चार्ट। तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी शानदार रिटर्न जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जो हाई जंप किया था उसको काफ़ी शानदार तरीके से वोलेटिलिटी के साथ हमें जो है कि आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा, अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।